क्योंकि इस कार के अंदर ऐसे ऐसे फीचर हैं कि अगर आप सपने में सोच रहे हो ना कि मेरी गाड़ी में ये फीचर होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लग्जरी नहीं है, इसके अंदर पावर भी अल्टीमेट है यार। ये तो अभी से ही बेड बनने के मूड में लग रही है। एयरमेटिक सस्पेंशन है तो इतना ज़्यादा आपको खड्डों का अंदाज़ा भी नहीं होता इस कार में। तो 1 2 3 गो। ओ भाई साहब, वन ऑफ द बेस्ट, नहीं ये बेस्ट कार है मर्सिडीज की। 2.5 करोड़ की कार है ये, 2.5 करोड़। 1 2 3 4 5 6 7 8। Yo everyone, this is Irfan and welcome to My Country My Ride। आपका बहुत बहुत स्वागत है My Country My Ride के एक बहुत ही ब्रांड न्यू एपिसोड में, और इस एपिसोड को हम लोग कहेंगे अल्ट्रा लग्जरी एपिसोड। जब भी अल्ट्रा लग्जरी की बात आती है तो एक ही गाड़ी है जो जहन में आती है, उस गाड़ी का नाम है मर्सिडीज मेबैक, जो कि आज हम आपके लिए लेके आए हैं फ्रॉम TCM डेली स्टॉक। इस वीडियो को पूरी देखना क्योंकि पूरे फीचर में आपको समझाऊंगा इस कार के, क्योंकि इस कार के अंदर ऐसे ऐसे फीचर हैं कि अगर आप सपने में सोच रहे हो ना कि मेरी गाड़ी में ये फ़ीचर होना चाहिए, तो वो सारे फ़ीचर इस गाड़ी में आपको अवेलेबल मिलेंगे। क्योंकि इस गाड़ी की जो बातचीत है वो बातचीत बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही बढ़िया है। प्रोफाइल आपके सामने है क्योंकि इसे हम कहते हैं मर्सिडीज मेबैक 560 पेट्रोल। हाँ जी, तो अब हम बात करेंगे इस कार की। ये कार नहीं है, इसे हम कहते हैं हाहा कार। 4000 cc यानी 4 लीटर पेट्रोल इंजन कार है ये। इस गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ लग्जरी नहीं है, इसके अंदर पावर भी अल्टीमेट है। माइलेज की मैं बात करूं तो ये गाड़ी माइलेज देती है तकरीबन जो कंपनी क्लेम करती है वो करती है 7 से 9 तक। बट जो भी इसके बायर होते हैं वो माइलेज को कभी नहीं देखते, वो देखते हैं इसके अल्ट्रा कम्फर्ट को जो इस गाड़ी के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। तो आगे से हम अगर इसे देखें तो ये एक एस क्लास है कार, तो ये आगे से आपको जैसे S350 होती है, कभी कभी लोग वो भी इसे समझ लेते हैं, लेकिन ये मेबैक है। उसके लिए कंपनी ने यहाँ पे ब्रांडिंग भी कर रखी है मेबैक की, फ्रंट में आप देख सकते हैं। और इसके अंदर लगी हुई है मर्सिडीज़ की मल्टी बीम LED, जो कि बहुत ही अच्छी LED हेडलैम्प्स माने जाते हैं मर्सिडीज़ के। वन ऑफ द बेस्ट हेडलैम्प्स हैं ये जो इसके अंदर इंस्टॉल किए गए हैं। क्यों? क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन कार है, वन ऑफ द बेस्ट नहीं, ये बेस्ट कार है मर्सिडीज़ की, स्पेशली इन सेडान्स कैटेगरी। अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। तो दोस्तों, इस गाड़ी के अंदर तो ये कहना ही बड़ा अजीब होगा कि इसके अंदर आफ्टर मार्केट क्या लगा होगा। इसके अंदर आफ्टर मार्केट अगर कोई लगवाएगा तो अपने शौक के लिए अलॉय चेंज करवा सकता है। मेबैक के जो डिफरेंट अलॉय आते हैं, जो सिग्नेचर अलॉय होते हैं, वो आप चेंज करवा सकते हैं। हालांकि इसके अंदर स्टॉक अलॉय भी लगे हुए हैं, जो कि है विथ प्रोफाइल 245R 19 इंचेस के स्टॉक अलॉय व्हील्स हैं। इसे हम कहते हैं लॉन्ग व्हील बेस कार। इतनी लंबी है ये कार कि अगर आप इन प्रैक्टिकल इस कार को देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि वाकई में कितनी लंबी है ये कार। मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल देके कि कितनी लंबी है ये कार। अब आप देखिए, कदम देखिए कितने कदम दूर ये कार ख़त्म होगी। यहाँ से शुरुआत करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 कदम लगे मुझे इस गाड़ी को ख़त्म करने के लिए। हालांकि छोटी मोटी गाड़ी अगर मैं ख़त्म करूंगा तो 2-3 कदम में ख़त्म कर दूंगा, इतनी बड़ी है ये कार। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक पेट्रोल इंजन कार है, तो इसके अंदर 80 लीटर का टैंक आता है। और की कौन सी आती है भाई? की बहुत शानदार है इसकी, ये देखो, ठीक है, मेबैक की ब्रांडिंग यहाँ पर आपको दिखगी। पीछे अगर हम देखेंगे तो अपने को ब्रांडिंग मिलती है, जो वेरियंट है ये है 560, ठीक है, देन मेबैक की यहाँ पे ब्रांडिंग है। बूट ओपन करता हूँ इसका, पीछे को अपने को डोनट टायर मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट है, तो
सिर्फ क्लिक करना है और सॉफ्ट क्लोज हैं ये ना जो डोर्स हैं और ये जो बूट हैं ये सॉफ्ट क्लोज हैं। अब कहते हैं कि भाई अगर आप इतनी महंगी गाड़ी लेके आ रहे हो, दोस्तों नई गाड़ी तो तकरीबन आप ये मान के चलो अब तो नई शेप आने वाली है, ये 2019 मॉडल है, सितंबर की 2019 चली क्या है, कुछ भी नहीं चली ना के बराबर, वो मैं आपको दिखाऊंगा जब ड्राइविंग पे इसको लेके जाऊंगा। और इस गाड़ी की नई की कीमत की बात करूँ तो 19 में भी जब बंदा कोई नई इसको लेने जाता था शोरूम से 560 को पेट्रोल, तो 2.5 करोड़ की थी जी, 2.5 करोड़ की कार है ये, 2.5 करोड़। आप ज़रा यहाँ नज़र डालिए मेबैक का लोगो, और अंदर इतनी ज़्यादा अल्ट्रा लग्जरी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब आप खुद देखिए स्पेस, देख रहे हो आप कितना ज़्यादा इसके अंदर स्पेस है दोस्तों, लिटरली बता रहा हूँ, इतना वाइड डोर ना मैंने तो नहीं देखा भाई किसी भी गाड़ी का। अब ये देखो मैं कितना इजीली बैठ गया हूँ और ऐसा लग गया जैसे कोई मैं कितने ज़्यादा कंफर्टेबल मतलब पोजीशन में हूँ मैं। आप देख रहे हैं हीटेड सीट, कूल सीट, वेंटिलेशन, मेमोरी सीट्स, बमस्तर ऑडियो, सब चीज़ें आपको इसमें दिख जाती हैं। अल्केंटारा लेदर रूफ पे, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे कुछ सनरूफ वगैरह है क्या नहीं है, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ अभी। अब आप ये देखिए मज़ेदार है ये कार, सही बता रहा हूँ मैं आपको। इधर देखिए अभी आप, इतना हैवी है ना ये आर्म रेस्ट से, फ़ोन तो चार्ज करके लाया नहीं था तो मैं सोच रहा हूँ कि वायरलेस चार्जर का थोड़ा यूज़ कर लिया जाए। इधर के साथ साथ आगे भी है, दो वायरलेस चार्जर हैं इसके अंदर। स्पेस अभी भी मैं इतना कम्फर्टेबल बैठा हूँ जबकि ये जो सीट है ये अपनी पोजिशन में गई नहीं है। इधर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अपने को मिलता है ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी विद सीडी चेंजर। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन चला के दिखाता हूँ, ये देखिए लिखा हुआ मेबैक, जरा ऑन कर ले ताकि प्रॉपर फील आए अपने को। इतने सारे कंट्रोल हैं इस गाड़ी के अंदर, यहीं से बैठे बैठे ऐसा लगता है कि ये उड़ भी जाएगी कभी कभी, जस्ट जोकिंग। अब मेन यार ये तो अभी से ही बेड बनने के मूड में लग रही है, तो कर देता हूँ फिर मैं दोस्तों, ठीक है इसे क्लिक करता हूँ। और ये देखिए सबसे पहले आगे देखिए आप उस सीट को देखना, वो सीट कहाँ पहुँच जाएगी, मतलब अगर 6 फुट का बंदा भी अगर बैठा होगा ना इस सीट पे तो कंफर्टेबली बैठ जाएगा और पैर भी फैला लेगा, ऐसी है ये कार। अब देखो फोल्ड होगी किस तरीके से हो रहा है, आप खुद नोट करिए, देख सीट देख लीजिए कितना, ये देख लीजिए मैंने पैर बिल्कुल सीधे कर दिए तब ये हाल हो रहा है, बताओ ये देखिए, अरे वाह ज़बरदस्त। अब ज़रा इसको बंद कर देते हैं उस सीट को, अब ज़रा अपनी पोजीशन सही कर लेते हैं, ठीक है अपने को रिक्लाइन कर लेते हैं, अब अपनी चीज़ें किस तरीके से रिक्लाइन होगी ये देखिए, ओहो अब आप नीचे का वो देखिए ज़रा किस तरीके से आएगा, और ये दोनों सीट में ओए होए, ये जो सपोर्ट आ रहा है ना मैं कह रहा हूँ इससे ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता, देखो अच्छा काफ़ी ऊपर तक होगी, देख लो अब ये देखो थोड़ा सा पीछे जाके देखोगे ना आप तो अब आपको पता लगेगा कि भाई क्या पोजीशन में आपके भाई बैठे हुए हैं। और अभी थोड़ी सी अगर रिक्लाइन होती है सीट, ये देखो अब ये हाँ ये पूरी रिक्लाइन हो गई है, अब आप खुद बैठो, अब आप खुद सोचो कि कितना अच्छा फील होगा आपको ऐसी गाड़ी में बैठ के, आपका ड्राइवर चला रहा हो, आप ऐसे बैठे हो इंजॉय कर रहे हो ड्राइव को, और साथ ही साथ इसके अंदर वैनिटी मिरर्स भी हैं तो अगर आपको अपने खूबसूरत चेहरा देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। बमस्तर का इसके अंदर ऑडियो सिस्टम लगा हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार है, बट इसकी जो मेन जो बात है वो यही है, आप ये देखो तभी इसे कहते हैं अल्ट्रा कंफर्ट, क्योंकि ये इस तरीके से भाई सीट हो जाती है और आप जिस पोजीशन में आप बैठते हो वो माइंड ब्लोइंग है। अभी आप पीछे का जो कर्टन देख रहे हैं वो भी मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, आप खुद देखिए हर चीज़। और ये जो विंडो आप देख रहे हैं, अगर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई नहीं मेरे को तो थोड़ी सी प्राइवेसी होनी चाहिए तो प्राइवेसी के लिए मैं करूँगा कुछ नहीं। अब ये देखिए मैं जो कर्टन है ये कर्टन कर दूँगा, और ये वाला कर्टन मैं चाहूँ तो ये भी बंद कर सकता हूँ जिससे प्राइवेसी हो जाती है। अब ये चाहूँ अब थोड़ा डार्क सा आपको लगेगा, अब ठीक है अब ये थोड़ी सी प्राइवेसी होगी, अब बाहर वाले बंदे को कुछ नहीं पता है कि भाई अंदर कौन VIP बैठा हुआ है, बट अगर आपको थोड़ा सनलाइट देखनी है बाहर देखना है कौन है तो आप इसे डाउन कर सकते हैं कर्टन्स को और विदाउट एनी टेंशन। इसके अंदर आपको सीट वेंटिलेशन भी मिलती है तो हीट एंड कूल बोथ सीट इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है। भाई गाना मैंने ऑन कर दिया है, बमस्तर का माइंड ब्लोइंग ऑडियो सिस्टम है, सराउंड साउंड है, इतने ज़्यादा स्पीकर हैं इस कार के अंदर
कि अनकाउंटेबल है। और आप साउंड का मजा लीजिए अब आप। मैं गुजारिश करूंगा अगर आपने लीड नहीं लगाई है तो हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि हेडफोन में ज़्यादा आउटपुट पता लगती है। या मेरे ख्याल ऐसे ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। चलते हैं ड्राइव पे और फिर सुनते हैं इस गाने को। तो ड्राइव पे तो हम जाएंगे, बट मुझे लगता है कि पहले प्राइस सुन लो, क्योंकि आप एंड में हमेशा से वेट करते हो कि मैं आपको प्राइस बताऊंगा, बट आज बीच में बता देता हूँ प्राइस, ताकि जो स्किप करते हैं ना उनके लिए थोड़ा सा पजल हो जाए। तो सॉफ्ट क्लोज डोर भी है इसके अंदर, तो सॉफ्ट क्लोज डोर 2019 सितंबर, अंडर वारंटी 2023, सर्विस पैकेज 2023 तक। गाड़ी पूरी इंटैक्ट कंडीशन में है, किलोमीटर 5000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है, यानी ये गाड़ी कुछ भी नहीं चली है। गाड़ी की अगर नई कीमत की बात करूं तो 2019 में भी अगर आप इसे नई ख़रीदते तो आपके पैसे लगते 2.5 करोड़ रुपए, यानी 2,50,00,000 रुपए तो आप खर्च के आते ही आते फॉर श्योर। अब 5000 चली हुई जो गाड़ी है उसकी क्या कीमत होगी, तो अगर मैं 2.5 करोड़ से भी कंपेयर करूँ तो आपका जो फ़ायदा है ना वो तकरीबन 70,00,000 रुपये का हो जाएगा इस गाड़ी में, क्योंकि इस गाड़ी की जो आस्किंग प्राइस है वो है 1,83,00,000 रुपये, यानी 1,83,00,000 रुपीस की है इस कार की डील। तो आप चाहें तो इस कार को अपना बना सकते हैं, अपने घर ले जा सकते हैं। आपके स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लोन के रिगार्डिंग भी पूछ सकते हैं। और अगर इसकी रजिस्ट्रेशन की बात करूँ तो ये दिल्ली रजिस्टर्ड कार है, तो ये डीजल कार भी नहीं है, तो 15 साल की वैलिडिटी जो है इसमें पूरी मिलेगी, क्योंकि इट्स अ पेट्रोल इंजन कार। अब कैसी लगी ये वीडियो ये तो आप हमें लाइक के ज़रिए बताना, कमेंट भी करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना माय कंट्री मार्केट को, ताकि हम ऐसी ब्यूटीफुल डील्स आपके लिए लाते रहें और आपको दिखाते रहें माइंड ब्लोइंग कार्स। तो अब करते हैं इसकी टेस्टिंग कि कैसी है ये चलने में, और उसके बाद विदा लेते हैं आपसे। भाई ये है कुछ इस गाड़ी की आवाज़ साउंड जो आपने सुनी। इसमें बहुत अच्छे ट्विटर लगे हुए हैं, यहाँ पे आप देखेंगे इधर भी देखेंगे तो जो प्लेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा है स्पीकर्स की। क्यों? क्योंकि चलाने वाले को फील आना चाहिए कि हाँ भाई वो एक पैसों वाली गाड़ी में बैठा हुआ है, एक महंगी कार में बैठा हुआ है, इसीलिए हम इसे मेबैक कहते हैं। और चलाने में जो इसका फील है वो बिल्कुल बटरी स्मूथ है, आपको फील ही नहीं होता कि इस गाड़ी को जब आप चला रहे हो तो कोई गाड़ी चला रहे हो, ऐसा लगता है कोई मतलब शिप चला रहे हो, कि पानी में चल रही जैसे बोट होती है ना, कि आपको ज़मीन का अंदाज़ा नहीं होता, बिल्कुल फ्लैट चलती है, बिल्कुल वैसा ही इसका फील है। अब इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर आते हैं, पीछे भी मैं अपना फ़ोन चार्ज कर रहा था तो यहाँ देखो ये मेबैक है, तो आपको हर जगह ब्रांडिंग भी दिखेगी मेबैक की। वायरलेस चार्जर जो है वो आपको यहाँ पर दिख ही जाता है, और ये सिर्फ इस तरफ से नहीं खुलता, अगर मैं चाहूँ तो इसको उस तरफ से भी खोल सकता हूँ, दोनों साइड से। आप इधर से भी देख सकते हैं फ़ोन मेरा चार्ज हो रहा है। तो जैसे ही अपन लोग होम पे आ गए तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आपको दिखती है। नेविगेशन पे अगर हम पहले सबसे पहले क्लिक करें तो सीधा नेविगेशन प्रॉपर आपको दिखता है इसके अंदर। तो वो वाली सीट जो है वो मैं यहीं से ऑपरेट कर सकता हूँ, यहाँ से अगर मैं क्लिक करूँगा तो उस सीट को मैं आगे पीछे ईजिली कर सकता हूँ। इसको जो चलाने का जो फील है अल्टीमेट पावरफुल है ये कार। आप चाहो तो इसे मोड्स भी चेंज करके चला सकते हो। अब आप ये देखिए इसके अंदर मोड्स भी हैं, ये देख लीजिए इसके अंदर स्पोर्ट्स है, ठीक है, देन कंफर्ट है, देन इको मोड भी है। तो अगर स्पोर्ट्स पे मैं इसे खींचूँ, ये देखो ओ तेरी भाई साहब, इंडिविजुअल भी है और एयरमेटिक सस्पेंशन है, तो इतना ज़्यादा आपको खड्डों का अंदाज़ा भी नहीं होता इस कार में, ठीक है। अब इसे नॉर्मल कर देता हूँ, थोड़ी सी अग्रेसिव सी हो रही है, तो इको मोड के डिजिटली ऑडोमीटर है इसके अंदर, तो हर चीज़ ही डिजिटली वर्क करती है। डैशबोर्ड की फिनिशिंग देख लीजिए आप, एम्बिएंट लाइटनिंग आप देख लीजिए इसके अंदर, एक एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा हैंडमेड है ये चीज़ें,
कि मतलब बहुत ही बारीकी से बनाई गई है ये चीज़, और हमें भी आप अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि हम भी आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। सुबह के 9 बज रहे हैं और सुबह 6 बजे से लगे हुए हैं इस गाड़ी को शूट करने के लिए कि आपके लिए अच्छा कंटेंट बना सकें। अब इस गाड़ी को चलाने का भी फील बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, हाइट कंट्रोल भी है इस गाड़ी के अंदर। अब करते हैं एक बार स्पोर्ट्स को ऑन और लेते हैं आपसे अलविदा। एक बार मैं स्पोर्ट्स चेक करने जाता हूँ। 1 2 3 गो। ओ भाई साहब, चलिए फिर मैं चलता हूँ घर की तरफ। आप लोग अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। Yeah, yeah. Yeah. Shawty loves it, yeah. Loves that I'm a dog. Okay.